हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी मीडियम और हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति के आपने और वीडियो देखे हैं, आज हमारा लास्ट सेशन है उसका, जिसमें हम संघर्ष जो पढ़ रहे थे, कोलिजन, उसमें आज पढ़ेंगे हम अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास और ये एक पोर्शन बचा हुआ है इसमें पढ़ने के लिए। प्रत्यास्थ टक्कर मैंने पढ़ा दिया था, आज पढ़ेंगे हम अप्रत्यास्थ संघट। इंग्लिश में बोलते हैं अपन इन इलास्टिक कोलिजन। अप्रत्यास्थ संघट, मैंने संघट के प्रकार पढ़ाते समय आपको बता दिया था कि संघट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यास्थ, दूसरा होता है अप्रत्यास्थ, इलास्टिक और इनइलास्टिक। प्रत्यास्थ टक्कर मैंने क्या बताया था कि यदि टक्कर के पूर्व तथा टक्कर के पश्चात यदि पिंड का संवेग और गति ऊर्जा दो प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं, और अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है, यदि टक्कर के पूर्व तथा बाद में संवेग तो नियत हो लेकिन उसकी गति ऊर्जा क्या हो, परिवर्तित हो, तो अब हम इस प्रकार के टक्कर को अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। मतलब अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग, ये जो संवेग है यह संरक्षित होता है, संरक्षित मतलब नियत होता है, किंतु उसकी गति ऊर्जा, इसकी जो गति ऊर्जा है यह क्या हो जाता है, गति ऊर्जा का मान परिवर्तित हो जाता है। इस तरह के टक्कर को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। एक मैंने कॉमन आपको फिजिकल ऑब्जर्वेशन बताया था कि हम देख के कैसे पहचानेंगे कि टक्कर प्रत्यास्थ है कि अप्रत्यास्थ। तो मैंने आपको बताया था कि यदि टकराने के बाद पिंड आपस में ज्वाइंट हो जाएं, जुड़ जाएं, और दोनों जुड़ने के बाद एक साथ गति करें, तब वह क्या होता है, अप्रत्यास्थ का कंडीशन होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि कैरम खेलते समय यदि कभी कभी क्या होता है, स्ट्राइकर और गोली दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं और एक साथ गति करने लगते हैं, जाके दोनों एक साथ ड्यू में घुस जाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। तो इस तरह का जो टक्कर का कंडीशन है वह अप्रत्यास्थ टक्कर है। यहाँ पर देखो सिचुएशन हम आपको यहाँ पर समझाते हैं किस तरह से होता है। मान लो एक पिंड यह है और एक दूसरा पिंड है, ठीक है, ये ए पिंड है, ये बी पिंड है, इसका द्रव्यमान एम वन है, इसका द्रव्यमान एम टू है, इसका वेग यू वन, इसका यू टू, और इसने जाके पीछे से इस पिंड को टक्कर मारा क्योंकि U1 U2 से बड़ा है। अब चूंकि टक्कर अप्रत्यास्थ है तो टकराने के बाद दोनों पिंड क्या हो गए, आपस में ज्वाइंट हो गए AB, इनका अब संयुक्त द्रव्यमान हो गया M1 प्लस M2 क्योंकि दोनों जुड़ गए, और एक साथ इनका कंबाइंड वेलोसिटी मान लो हो गया V, क्योंकि अब दोनों के अब वेग अलग अलग नहीं रहेंगे, अब वेग एक समान हो जाएगा, जुड़ के गति कर रहे हैं। इस तरह का सिचुएशन बनेगा। अब चूंकि हमारा टक्कर क्या है, वह अप्रत्यास्थ है, इसलिए संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टक्कर के पूर्व या संघट के पूर्व, संघट के पूर्व का संवेग ये जो होगा वो संघट के पश्चात संवेग के बराबर होगा। तो संघट के पूर्व का संवेग संघट के पश्चात के संवेग के बराबर होगा। तो पूर्व का जो संघट ये होगा संवेग, वो क्या हो जाएगा, पहले पिंड का M1 U1 प्लस दूसरे पिंड का M2 U2, और दैट इक्वल अब इसका बाद में हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V, ये हो जाएगा संघट के पश्चात का संवेग। क्लियर। अब यहाँ पर यदि हमको V का मान निकालना है तो V का मान निकालने के लिए देयरफॉर हम लिख सकते हैं V इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। इसका कैलकुलेशन कुछ थोड़ा सा अलग तरीका है उससे, ठीक है, इसलिए मैंने पहले वीडियो में आपको इसके पहले वीडियो में प्रत्यास्थ बताया था, आज अलग से अप्रत्यास्थ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंडीशन ये है कि जो दूसरा पिंड है वो मान लो क्या हो, स्थिर अवस्था में हो। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यदि U2 क्या हो, शून्य हो, मतलब एक गतिशील पिंड को एक स्थिर पिंड को एक गतिशील पिंड जाके पीछे से टक्कर करे, ऐसे कंडीशन में क्या होगा। तो इस फार्मूला में यदि हम U2 इक्वल टू जीरो कर दें
तो यहाँ से देखो v इक्वल टू मिल जाएगा अपने को m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगा इसका फार्मूला जब एक स्थिर पिंड को एक गतिशील पिंड जाके टक्कर करे। अब इस टॉपिक में जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में जो फार्मूला डिराइव किया, इस टॉपिक में हम लोग जो फार्मूला डिराइव करने वाले हैं वह ऊर्जा हानि। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर हम इसकी परिभाषा में देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित होने का मतलब वो चेंज होता होगा, तो नेचुरली कोई चीज़ बदलेगा तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। तो ऊर्जा में हानि होता है, टकराने के पूर्व इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है और टकराने के पश्चात इनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करना है ऊर्जा हानि कि ऊर्जा में कितनी हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले टक्कर के पूर्व गतिज ऊर्जा या संघट के पूर्व, ठीक है, टक्कर भी लिख सकते हो आप, संघट भी लिख सकते हो। टक्कर के पूर्व काइनेटिक एनर्जी जिसको मैंने कह दिया सपोज E1, ठीक है, E फॉर एनर्जी, या K1 भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी से। तो यहाँ से E1 इक्वल टू हो जाएगा टक्कर के पूर्व ऊर्जा 1/2 m1 u1 स्क्वायर, टक्कर के पूर्व की काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि u2 तो क्या है, शून्य है, हमने u2 को जीरो मान लिया है स्थिर। तो टक्कर के पूर्व काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा, उसके बाद टक्कर के पश्चात इसको मैं K से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, K फॉर काइनेटिक एनर्जी। टक्कर के पश्चात काइनेटिक एनर्जी इसका वैल्यू हो जाएगा K2 इक्वल टू 1/2 द्रव्यमान हो गया है m1 प्लस m2 और वेग हो चुका है v स्क्वायर, क्योंकि टक्कर के पश्चात इसका वेग कितना है v, और टक्कर के पूर्व हमने दूसरे को जीरो लिया है। अब इस कंडीशन पर हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ऊर्जा हानि है। अब हम निकालेंगे ऊर्जा हानि कि टक्कर में कितनी ऊर्जा की हानि होती है, इसको हमने कह दिया डेल के। डेल के यहाँ पर ऊर्जा हानि है, तो हानि होने का मतलब है कि पहले ऊर्जा ज़्यादा रहा होगा, बाद में ऊर्जा क्या हो गया, कम हो गया, तभी हानि होगा। तो टक्कर के पूर्व का काइनेटिक एनर्जी K1 और टक्कर के पश्चात का K2, तो K1 और K2 के मान को यहाँ पर भर के हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर दें तो हमको ऊर्जा हानि का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर वैल्यू को पुट अप करते हैं अपन, तो डेल के इक्वल टू K1 का वैल्यू ये है, दोनों में 1/2 कॉमन है, तो 1/2 को मैंने यहाँ से दोनों में से कॉमन कर लिया, और ब्रैकेट के अंदर ये बचेगा m1 u1 स्क्वायर और माइनस ये m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? दैट इक्वल, अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम यहाँ पर v का वैल्यू निकाल के रखे हैं ये, तो इस v के वैल्यू को हम वहाँ पर पुट अप कर दें, तो v का वैल्यू पुट अप करेंगे तो वहाँ पर वर्ग है, तो वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर? दैट इक्वल, यहाँ से हम सॉल्व करें तो 1/2, यहाँ पर देखो एक m1 प्लस m2 इसके साथ में कट जाएगा, तो हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस एक कैंसिल हो गया, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन ये बचेगा m1 प्लस m2, ये होता है इतना। क्लियर? अब इसको आगे और हमको सिंप्लीफाई करना है तो इसको क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, जो दोनों में से कॉमन है, तो क्या कॉमन है, 1/2 m1 कॉमन है, u1 कॉमन है, u1 स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हम कॉमन कर दिए, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, और माइनस यहाँ से बचेगा m1, क्योंकि हमने एक m1 u1 को कॉमन कर लिया है, और अपान में m1 प्लस m2, यहाँ से इसको एलसीएम कर लिया जाए तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट एलसीएम हो जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1, m1 m1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और डेल के इक्वल टू मिल जाएगा अपने को 1/2 m1 इंटू ये m2 एक साथ लिख लेता हूँ m1 इंटू m2 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये। तो यहाँ पर देखो ये जो फार्मूला हमने निकाला ये क्या है, ऊर्जा हानि के लिए फार्मूला है, और कंडीशन हमारा ये है, ये कंडीशन पर हम काम कर रहे हैं कि यदि दूसरा पिंड क्या हो, स्थिर हो, इसीलिए हमने टक्कर के पूर्व का जो काइनेटिक एनर्जी लिया है वो सिर्फ इसका लिया है,
वन अपॉइंट टू एम वन यू वन स्क्वायर। यदि टक्कर के बाद यदि हम दोनों पिंड को गतिशील लें तो साथ में वन अपॉइंट टू एम टू यू टू स्क्वायर भी आता, लेकिन हमने उसको क्या लिया हुआ है, जीरो लिया हुआ है। तो ये ऊर्जा हानि का फार्मूला है। इस फार्मूला को आप लोग ध्यान रखेंगे डेल के, इससे बहुत से न्यूमेरिकल्स बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, देखिए इसको एक बार। ये है अप्रत्याशित संकट में और ये एक विमी होता है, ध्यान रखना। मैं आपको पहला वीडियो आपने मेरा ध्यान से देखा होगा इसके पहले वाला, तो मैंने बताया था कि यह केवल एक विमी होता है। जैसे हमने प्रत्याशित टक्कर में दो टक्कर पढ़ा था, एक विमी और द्विविमी। क्यों? क्योंकि इसमें दो संभावना होती है, टकराने के बाद पिंड अलग अलग हो जाते हैं तो एक ही दिशा में भी जा सकते हैं और डिफरेंट अलग अलग दिशा में भी जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अप्रत्याशित टक्कर में टकराने के बाद पिंड क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए जुड़ने के बाद फिर वो एक साथ गति करेंगे और जब एक साथ गति करेंगे तो किसी एक ही दिशा में जा सकेंगे। दो चीज़ जब ज्वाइंट हो जाएगा तो दो अलग अलग दिशाओं में गति नहीं कर सकेगा, इसलिए यहाँ पर केवल वन डायमेंशन मोशन होता है। क्लियर? तो यह हो गया हमारा अप्रत्याशित संकट एक विमी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक बस इसमें बचे हुए थे, उस पार्ट में मैं इसलिए इसको नहीं पढ़ाया कि थोड़ा लेंदी हो जाता और कन्फ्यूज़न बहुत होता है। प्रत्याश अप्रत्याश को एक साथ पढ़ने से थोड़ा सा कन्फ्यूज होने का चांस रहता है, इसलिए आप इसका सेपरेट तैयारी करो। इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म हमको पढ़ना है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे भी प्रत्यावस्थान गुणांक। प्रत्यावस्थान गुणांक ये क्या होता है, देखो ये कॉम्पिटिटिव में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्यावस्थान गुणांक इंग्लिश में बोला जाता है आप कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। प्रत्यावस्थान गुणांक या कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये होता क्या है, देखो आपको याद होगा कि हमने जब प्रत्याश टक्कर पढ़ा तो वहां पर एक फार्मूला निकाला था। क्या निकाला था? U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1। क्लियर? ये फार्मूला हमने निकाला था। U1 माइनस U2 को क्या बताया था हमने, कि टकराने के पूर्व दोनों के पास आने का आपेक्षिक वेग और टकराने के बाद दोनों के दूर जाने का आपेक्षिक वेग आपस में बराबर होता है। अब इस तरह से इसका और इसका रेशियो जिसको हम E से प्रदर्शित करते हैं वो होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये कहलाता है प्रत्यावस्थान गुणांक। तो प्रत्यावस्थान गुणांक का परिभाषा क्या हो जाएगा, टकराने के बाद का जो आपेक्षिक वेग होता है, प्रत्याशित टक्कर में टकराने के बाद का आपेक्षिक वेग और टकराने के पूर्व के आपेक्षिक वेग का जो अनुपात होता है उसको प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं और प्रदर्शित करते हैं किससे, ई से, स्मॉल ई से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब कॉम्पिटिटिव में इसमें जो क्वेश्चन आता है, ये न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ कुछ नोट लिख रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना कि यदि प्रत्यास्थ क्या है, पूर्णतः टक्कर जो है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए या संघट के लिए, ठीक है, पूर्णतः एक ही मतलब है, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट, यदि हमारा संघट पूर्णतः प्रत्यास्थ हो तो वहां पर E का मान एक होता है, ये ध्यान रखना। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट के लिए E का मान एक होता है। और दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखोगे, पूर्णतः माने 100%, हालांकि व्यवहार में कोई टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ या अप्रत्यास्थ नहीं होता, लेकिन आदर्श रूप में हम मानते हैं तो पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर के लिए, पूर्णतः अप्रत्याश संघट के लिए जो E का मान होता है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव में मल्टीपल चॉइस में पूछता है, इसको ध्यान रखना, इसका मान जीरो होता है। पूर्णतः अप्रत्याश हो टक्कर तो उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ध्यान रखना, अप्रत्याश टक्कर के लिए जो पार्सली हो, आंशिक रूप से, अप्रत्याश मतलब आंशिक रूप से, पूर्णतः नहीं है, तो उस कंडीशन में जो E का मान है वो 0 से 1 के बीच होता है, मतलब 0 इज लेस देन E इज लेस देन 1, माने शून्य से
एक के बीच में होता है, शून्य से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ चक्कर में इक्वल टू वन होता है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ चक्कर में ई का मान शून्य होता है, और अप्रत्यास्थ चक्कर में यह जो आंशिक रूप से प्रत्यास्थ हो वो क्या कहलाता है, जीरो से वन के बीच में होता है। ये ध्यान रखना और ये परिभाषा, इसको बोलते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, और ये इसके कुछ वैल्यूज हैं। ओके, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है संघट, ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ लिया कार्य और पढ़ लिया ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत वो तो बताने का जरूरत नहीं, या फिर मैं डिस्कस किया होगा किसी वीडियो में, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ऊर्जा शायद बताया भी था, एक बार और चर्चा कर लेते हैं अपन। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपको मालूम है ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ऊर्जा नष्ट किया जा सकता, केवल ऊर्जा का रूप बदला जा सकता है। एनर्जी नेवर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म विल बी चेंज। ये आपको पता है, पहले से टॉपिक रहता है छोटा सा, जहाँ पर भी हम ऊर्जा पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जरूर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में जो बच जाता है वो है शक्ति। चैप्टर का हमारा नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तो थोड़ा सा शक्ति पढ़ लेते हैं। और शक्ति भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, शक्ति का जो पार्ट है वो बहुत ही छोटा है, कुछ नहीं है इसमें। हाँ, न्यूमेरिकल्स उससे इम्पॉर्टेंट है, भले ही फार्मूला छोटा सा है, लेकिन शक्ति पर बेस्ड, मोटर पंप पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको उसको, बहुत जल्दी मैं पीछे के न्यूमेरिकल्स आपको कंप्लीट कराते जाऊंगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शक्ति। शक्ति मतलब पावर। तो शक्ति क्या होता है, देखो आप ये भी लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, शक्ति इक्वल होता है डब्ल्यू अपॉन टी, कार्य करने की दर को, ठीक है, कार्य करने की दर। क्योंकि आपको पता है किसी भी भौतिक राशि में जब हम समय का भाग करते हैं तो उसको हम दर कहते हैं, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसके कैलकुलस के लैंग्वेज में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। मतलब यदि हम कार्य का समय के सापेक्ष अवकलन करें, तो उससे हमको शक्ति कैलकुलेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कहीं पर दे दिया कि कार्य जो है वह 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 5 है, तो t इक्वल टू 1 सेकंड में, उसके द्वारा या उस मोटर के द्वारा, पंप के द्वारा कितना शक्ति लगाया जाएगा, उसकी शक्ति कितनी होगी। तो यह ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सीधा क्या लिखोगे, p इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी दैट इक्वल डी बाई डी टी। आप w को मान पुट अप कर दोगे, 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 5, मैंने आपको कैलकुलस पढ़ाया है, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 2 के साथ गुणा हो गया 40, और प्लस टी का अवकलन 1 हो जाएगा। अब 1 सेकंड बोला है तो इसलिए p इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 5, और वाट, शक्ति का यूनिट होता है वाट। इस तरह से हम शक्ति का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल कैलकुलस के बेस पर बनते हैं। ओके, तो ये शक्ति का दो आप डेफिनेशन ध्यान रखना, फार्मूला एक सामान्य इस रूप में और दूसरा कैलकुलस के रूप में, इसका यूनिट होता है वाट। अब यहाँ पर देखो एक डेटा, 746 वाट को वैज्ञानिकों ने, 746 वाट को 1 हार्स पावर कहा। हार्स पावर मतलब अश्व शक्ति, ठीक है। एक घोड़े में जितनी शक्ति होती है, ये इमेजिन किया गया, वो 746 वाट के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं शक्ति के कुछ विभिन्न रूप में फार्मूला, वेग के रूप में पावर का जो फार्मूला है वो देखें। तो यहाँ से देखो, चूंकि हम जानते हैं कि जो W होता है, dW इक्वल टू F इंटू dx होता है, ठीक है, F इंटू dx होता है, कैसे, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो dW इक्वल टू F इंटू dx या ds होता है, विस्थापन के यदि मैं s कह दूं तो ds, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। यह फार्मूला आप पहले से जानते हो, इसी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्य बराबर बल गुणित ds। अब इसका क्या करें, हम t के सापेक्ष अवकलन कर दें, ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो यह हो जाएगा dw by dt इक्वल टू d by dt ऑफ f इंटू ds, ऐसा हो जाएगा। dw by dt को हम क्या कहते हैं, यहाँ से देखो p कहते हैं,
ये पी हो जाएगा, एफ को मैं बाहर कर दूं तो हो जाएगा डी एस बाई डी टी, और दैट इम्प्लाइज पी इक्वल टू एफ। ये वेक्टर फॉर्म में होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, आपको पता है इस तरह से। तो एफ डॉट डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलासिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि शक्ति जो है वह किसी पिंड पर लगाए गए बल और उसमें जो गति उत्पन्न होने में उसका जो वेग होता है उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। या इसको हम कल इसको सदिश के रूप को यदि हम उस फॉर्म में लिखें, जैसे हमको पता है वेक्टर का प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ऐसा वेक्टर में आपको पढ़ाया गया है, तो उसी पैटर्न पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पी इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। तो इस फार्मूला से भी हम शक्ति की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार से शक्ति एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट, और इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप हमेशा ध्यान में रखना कि इस चैप्टर के जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो शक्ति पर आधारित जितने न्यूमेरिकल हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट हैं और कठिन है कि एक मोटर पंप की सहायता से इतने मंजिल के बिल्डिंग पर पानी ऊपर चढ़ाया जाता है या इतना बल घूमने के लिए इतना शक्ति का मोटर लगता है। तो शक्ति पर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय बताऊंगा, लेकिन टॉपिक छोटा सा है और लिमिटेड फार्मूला है। तो ये फार्मूला को याद रखोगे, इसको रखोगे, और सबसे महत्वपूर्ण इसको भी याद रखोगे कि शक्ति बराबर होता है बल गुणित वेग, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये मैंने मेरे ख्याल से 4 पार्ट में, ठीक है, पहले पार्ट में आप लोगों को मैंने कंप्लीट कार्य पढ़ाया, उसके बाद फिर हमने शक्ति को पढ़ा, सॉरी ऊर्जा को पढ़ा, और ऊर्जा के बाद हमने स्पेशल टॉपिक पढ़ा संघट का। संघट को 2 पार्ट में पढ़ाया, पहले वाले पार्ट में मैंने प्रत्यास्थ टक्कर का, एक विमी द्विमी दोनों, और आज अप्रत्यास्थ और शक्ति। इस तरह से कार्य, ऊर्जा और शक्ति आपका कंप्लीट यहाँ इस वीडियो पर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप बताएंगे, तब तक आप इसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करके रखिए, क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, यदि आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने हैं, नीट आईआईटी जेई के लेवल के क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है, तो पहला रिक्वायरमेंट है आपका फाउंडेशन क्लास प्रॉपर होना चाहिए। फाउंडेशन क्लास इन द सेंस जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट हैं, जो फार्मूले हैं, वो आपको प्रॉपर लर्न होना चाहिए। ओके, थैंक यू।